सो हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कल हमने फोर टाइप्स ऑफ बेसिक फोर्सेस जो हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं उसका हमने एक टाइप कर लिया था। पहला टाइप था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जाना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है। ऐसा फोर्स है जो कि पेयर ऑफ द बॉडीज के बीच में लगता है और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बिटवीन ऑफ द बॉडीज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो उनके बीच में डिस्टेंस होता है उसका अगर हम स्क्वायर कर दे तो। ठीक है, फिर हमने उसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। फिर हमने उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे थे, मैंने आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। देन हम अब लास्ट करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कीप्स द अर्थ और एनी प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होता है, जो सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से क्या है कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वो अपने ऑर्बिट में, ठीक है, सन के अराउंड चक्कर काटता है, और इसी तरह जो दूसरे प्लेनेट्स हैं वो भी सन के अराउंड अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। ठीक है, वी रिमेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अस। दूसरा इसका एग्जाम्पल ये है कि हम लोग जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो किस वजह से, क्योंकि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स और हमारे बीच का फोर्स, ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। देन थर्ड आपके पास आ जाता है, द वेरियस गैसेस फॉर्मिंग द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ आर हेड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जो हमारे एटमोस्फेयर में, हमारे एटमोस्फेयर में आप देखते हो कि नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। तो देखिए, नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है किस तरह से, उनको हमारी ग्रेविटी जो है वो खींच के रख रही है। अगर वो ग्रेविटी नहीं होती, वो ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता अर्थ का, तो वो तो आउट ऑफ आर, वो तो हमारी अर्थ से बाहर चली जाती है ना, आउट ऑफ आर अर्थ, उसके ऑर्बिट से बाहर चली जाती, वो गैसेज प्रेजेंट ही नहीं होती सरफेस के ऊपर, हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट ही नहीं होती। ठीक है, वो ग्रेविटी ही है, वो ग्रेविटेशनल ही है जो उस एटमोस्फेयर को बना के रखती है, उन गैसेस को खींच के रखती है ताकि वो हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में बनी रहे। तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ। देखिए, जो मून है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अपने ऑर्बिट में घूमता है, तो किस वजह से, क्योंकि उसको भी ग्रेविटेशनल, अर्थ की ग्रेविटेशन और साथ में जो मून है उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेज है ना, ये रिपल्सिव नहीं है, उनको खींच के रखा हुआ है, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रही है, तो इसलिए वो जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। फिर द टाइड्स ऑफ द ओशियंस अकर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द ओशियंस वाटर। आपने ये देखा होगा कि जो ज्वार भाटे बनते हैं, ठीक है, जब कंप्लीट मून बन जाता है तो ये कहा जाता है कि जो समुद्र के जो किनारे हैं, ठीक है, वहां पे हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लहरों की जो हाइट होती है वो 30-40 मिनट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है वो हमारे जो ओशियंस वाटर है उनको खींचती है अपनी तरफ, इसलिए वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो उस तरह से टाइड्स बनती हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द आर्टिफिशियल सेटेलाइट विच कीप्स द सेटेलाइट टू मूव अराउंड द सन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है अर्थ की, ठीक है, जो कि सेटेलाइट को उनके ऑर्बिटल्स में, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूमती है ना, ठीक है, उनके अराउंड घूमती है किस वजह से, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, उन दोनों के बीच में। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच हैज असेंबल्ड द प्रेजेंट प्लैनेट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी हेल्प से स्टार्स हो गए, अपने प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, सारी गैलेक्सीज होगी वो जुड़ी हुई है, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। अगर वैसा नहीं होता तो वो और ज्यादा इजिली एक्सपेंड हो जाता, वो कहीं भी हो सकते थे, हमारे अर्थ घूमती नहीं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती बिटवीन द सन एंड अर्थ, वो कहीं और चले जाते। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। पहला एग्जाम्पल था, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कीप्स द अर्थ। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कीप्स द अर्थ और एनी प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये है सन, इधर ये सन है, ठीक है, ये है सन,
ये जो अर्थ है वो उसके चारों तरफ क्या करेगी, चक्कर लगाएगी। ये जो अर्थ है हमारी, ये सन के राउंड चक्कर लगाएगी और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, बाकी जो प्लैनेट्स हैं, अदर प्लैनेट्स हैं, वो भी सन के अराउंड चक्कर काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई यहाँ पे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सेंट्रल फोर्स है। देखिए साथ साथ में क्लियर होते हैं पॉइंट, सेंट्रल फोर्स है और साथ ही साथ ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो देखिए तीन करेक्टरिस्टिक्स तो यहीं से माइंड में आ गई आपके। लॉन्ग रेंज फोर्स है, देखिए सन कहां है, अर्थ कहां है, सन कहां है, अर्थ कहां है, उनके बीच में फोर्स लग रही, इसीलिए तो ये जुड़े हुए हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती इन दोनों के बीच में तो ये अर्थ यहां नहीं होती, अर्थ यहां चली जाती है, जहां मर्जी चली जाती। दूसरे प्लैनेट्स वो भी अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब सन कोई इसी को थोड़ा ना, अर्थ को थोड़ा ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा भाई, सन और इसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, इसके बीच में भी सेंट्रल फोर्स है, इसके बीच में भी सेंट्रल फोर्स है, और जो भी सामने जितने भी यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स हैं, स्टार्स मौजूद हैं, उनके साथ भी ऐसा ही फोर्स है। 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी यूनिवर्स, वही वैल्यू है इसमें, इसी वजह से तो घूम रहे हैं ये। जब तक आपने देखा होगा कई सालों से ऐसे ही घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। ऐसा तो नहीं कभी सुना कि अर्थ यहां से घूम के कहीं और चली गई, अपने ऑर्बिट से नहीं घूमती है, नहीं, ऐसा तो नहीं सुना कि सन आप चक्कर काट रहा है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। दूसरी बात इन्होंने कही है, वी रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, भाई ये सरफेस है अर्थ का भाई, ये उबड़ खाबड़ जैसा सरफेस है अर्थ का, और हम हैं ये इंसान, हम इंसान हैं, हम चले हुए हैं इसके ऊपर। क्यों चले हुए? क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है इसकी भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम स्पेशल केस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकंड, है ना, वो ग्रेविटी है। अब जो अर्थ है वो अपनी ग्रेविटी लगा रही, हमको उड़ने ही नहीं देती, जब भी आप जंप करोगे तो आप नीचे ही आओगे। तो हमारे बीच में और साथ में अर्थ के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अगर हम ऊपर उठते हैं तो अर्थ हमें खींचेगी और हम भी अर्थ को खींच रहे हैं। बात यह है कि हम बहुत स्मॉल साइज के हैं और उस केस में नेग्लिजिबल हो जाती है, लेकिन अट्रैक्टिव तो है, इसलिए तो हम सरफेस के ऊपर दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, उड़ नहीं पाते क्योंकि ग्रेविटी है वहां पे, वो ग्रेविटेशन ही है, इट्स अ स्पेशल ग्रेविटेशन है, लेकिन हम बोलेंगे ग्रेविटी क्योंकि हर एक प्लेनेट की अपनी अलग अलग ग्रेविटेशन है। ये बात समझ लो, ग्रेविटी है 9.8 इसकी है, मून की अलग है, सन की अलग है, बात समझ रहे हो। ये दूसरा एग्जांपल था, द वेरियस गैसेस फॉर्मिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर हेड ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। ये बात भी सही है, अगर अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, उसमें नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नंबर ऑफ गैसेस वहां पे प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट होंगी भाई, कैसे प्रेजेंट होंगी, पता कैसे प्रेजेंट होंगी? जो अर्थ की ग्रेविटी है वो उसको खींच के रखती है। अगर आप किसी चीज को ऐसे पकड़ के रखते हो, खींच के रखते हो, तो वो वहीं रहती है। अगर आप उसको पकड़ के नहीं रखोगे वो वहां से निकल जाएगी। इसका जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ का, ठीक है, इसका एस्केप वेलोसिटी भी है √2gr, वो आगे बढ़ोगे आप, इसका ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा है। मून, अगर हम मून के साथ कंपेयर करें, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि वो पकड़ नहीं पाता, उसकी एस्केप वेलोसिटी उसको भी हायर कर देती है, उससे ज्यादा हो जाती है। यहां पे ऐसा नहीं है, ग्रेविटी लग रही है इसलिए तो एटमॉस्फेयर को उसने पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, तभी तो गैसेस हैं इधर। अगर नहीं होती ग्रेविटी तो सारी गैसेस होनी थी, कुछ नहीं होना था, वो तोड़ जानी थी, ठीक है। द वेरियस गैसेस फॉर्मिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ आर हेल्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अगर क्वेश्चन आएगा कि भाई गैसेस जो है वो क्यों प्रेजेंट है अर्थ के सरफेस के ऊपर, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहां पे अर्थ की ग्रेविटी है जो कि उसको पकड़ के रखती है। द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ। अब मून बेचारा है ना, ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये छोटा सा मून है, ये चक्कर काट रहा है अर्थ के, क्यों काट रहा है भाई, इसको क्या पड़ी है इसका चक्कर लगाने के लिए, है इसने कसम खा के रखे कि भाई मैं चक्कर ही लगाऊंगा इसको, क्यों लगा रहा है? अरे क्योंकि इसके और इसके बीच में, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है,
लेकिन अर्थ भाई बड़ी है साइज में, तो इसकी फोर्स ज्यादा होगी इसलिए ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, इसलिए घूम रही है वो। चलो भाई चक्कर काट, दोनों ही जुड़े हुए साथ में। टाइड्स ऑफ द ओशियन आकर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द ओशियन वाटर। ओशियन वाटर के बीच में और मून के बीच में, मून की है उसकी अपनी ग्रेविटी है, यहां पे पानी पानी है ओशियन का, तो क्या करेगा वो भी तो खींच रहा है इसको, लेकिन इसका साइज छोटा इसलिए ज्यादा नहीं खींच पाता, लेकिन खींचता है इसलिए तो लहरें बनती हैं, इसलिए तो लहरें बनती है 30 से 40 मीटर की लहर बन जाती है। अब लहर बनी जादू थोड़ना है वहां पे, वो जादू नहीं है, वो क्या है, वो मून का जादू है, वो उसकी ग्रेविटी है जो उसको खींच रही है। बात समझ रहे हो कि इसलिए जब भी कंप्लीट मून होता है तो ज्वार भाटे ज्यादा बनते हैं, इसलिए समुद्र के किनारों के ऊपर मना कर देते हैं कि जब भी कंप्लीट मून हो तो मत जाओ भाई। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच कीप्स द सैटेलाइट टू मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट जो भेज दी हमने, मैन मेड सैटेलाइट भेज दी, ठीक है, वो क्यों कैसे घूमती रहती है, आपने देखा होगा इस तरह की सैटेलाइट टीवी में देखा होगा, वो घूमती रहती है अर्थ के अराउंड, चक्कर काटती रहती है। क्यों काटती रहती है चक्कर? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और उसके बीच में, ठीक है। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच हैज असेंबल्ड द प्रेजेंट प्लैनेट स्टार एंड गैलेक्सीज। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे प्लैनेट गैलेक्सी स्टार्स सन वगैरह असेंबल्ड हैं, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, नहीं होती तो बिखर जाते, ब्लास्ट हो जाता, कुछ भी हो सकता था। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। फिर से माइंड में बिठा लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ द बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम वहां पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू था 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी इनवर्स, ये इसका वैल्यू है। तो ये बात आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि भूल जाओ, ठीक है। कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे।